बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन शनिवार रात को हो गया। दुबई में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनका पार्थिव शरीर जेट से मुंबई लाया जा रहा है। श्रीदेवी के सौतेले बेटे अर्जुन कपूर भी श्रीदेवी के घर पहुंचे। आपको बता दें कि श्रीदेवी और अर्जुन के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। एक इंटरव्यू की माने तो अर्जुन श्रीदेवी को सिर्फ अपने पिता की पत्नी मानते थे, न मां मानते थे और न ही सौतेली मां। दरअसल अर्जुन की मां को तलाक बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए दिया था, इसीलिए अर्जुन का संबंध श्रीदेवी से अच्छा नहीं था। लेकिन श्रीदेवी की बेटियों संग अर्जुन का व्यवहार भाई वाला ही था। अर्जुन कपूर कभी भी श्रीदेवी के घर नहीं गए थे। श्रीदेवी के लोखंड वाला घर में अर्जुन ने कभी भी कदम नहीं रखा। लेकिन श्रीदेवी की आकस्मिक मौत के बाद अर्जुन कपूर अपनी शूटिंग छोड़कर चाचा अनिल कपूर के घर पहुंचे और फिर वहां से श्रीदेवी के घर का रुख किया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में शानदार अभिनय के दम पर अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी का शनिवार की रात कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। अपने आखिरी पलों में वो दुबई में थी। अर्जुन कपूर अनिल कपूर के घर पहुंचे। अर्जुन अमृतसर में फिल्म नमस्ते इंग्लैंड की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन श्रीदेवी की निधन की खबर सुन के वो मुंबई आ गए और पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर कदम रखा।